हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन जब भी हम प्रोसीजर कराते हैं तो उसमें कितना पेन होता है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्वेरी करते हैं तो उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने में कितना पेन होता है। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम पेन को रिलीव करने की कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम जो भी एनेस्थीसिया जो देते हैं उसको देने के लिए जो हम नीडल का इस्तेमाल करते हैं या जो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं वो हम फाइनेस्ट नीडल पॉसिबल यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम एक इंसुलिन सिरिंज को यूज़ करते हैं जिसमें 31 गेज की नीडल होती है। आपको जैसे भी पता है कि इंसुलिन सिरिंज जो रहती है इतनी पतली उसमें नीडल रहती है कि पेशेंट अपने आप से, जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो अपने आप से डायबिटीज़ की मेडिसिन या इंसुलिन लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीडल बहुत ही पतली होती है, पेशेंट इसको ईजिली टॉलरेट करते हैं। दूसरी बात, हम जब इस नीडल और सिरिंज से जब भी एनेस्थीसिया देने लगते हैं तो हम इस एनेस्थीसिया को बहुत ही थोड़े से वॉल्यूम के अंदर इंजेक्ट करते हैं, थोड़े थोड़े इंक्रीमेंटल वॉल्यूम के अंदर इंजेक्ट करते हैं और बहुत ही स्लो इंजेक्ट करते हैं ताकि जो भी एनेस्थेटिक एजेंट जो है, जो भी दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस एरिया को नम करने के लिए, उसका प्रेशर कम रहे उस सिरिंज के अंदर। और अगर प्रेशर कम रहता है तो पेशेंट को पेन भी कम फील होता है। इसके अलावा हम एक दो चीज़ें और करते हैं कि जैसे भी जिस भी एरिया के अंदर हम ये लोकल एनेस्थीसिया देने वाले हैं नम करने के लिए, हम उस एरिया को पहले एक आइस लगा के, आइस पैक का इस्तेमाल करके उस एरिया को पहले ही नम कर लेते हैं। और जब वो इतना नम हो जाता है कि पेशेंट को बिल्कुल चिड़ लगने लगता है, पेशेंट कहता है कि मुझे टॉयलेट नहीं हो रहा, बहुत ठंडा हो गया ये एरिया, तब हम पहला इंजेक्शन देते हैं ताकि पेशेंट को इसका पेन कम से कम हो। साथ ही साथ दोस्तों, हम एक वाइब्रेशनल डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं या जिसे नॉर्मल टर्म्स में वाइब्रेटर कहा जाता है। वो डिवाइसेस पेन डिस्ट्रैक्शन थ्योरी पे काम करते हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हम वाइब्रेशन का इस्तेमाल करें और दूसरी जगह पर एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो माइंड में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि किस जगह पर मुझे किस तरह का पेन हो रहा है, ये वाइब्रेशन हो रहा है या कि नीडल का पेन हो रहा है। तो उससे एक पेन डिस्ट्रैक्शन बनता है पेशेंट के माइंड में और उसको पेन कम फील होता है। दूसरी बात, अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत एंशियस है, जैसे कि अगर हम प्री ऑपरेटिव कंसल्टेशन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसके अंदर है, तो हम पेशेंट को पहले ही एक दिन पहले हम थोड़ा एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या फिर जब भी हम एनेस्थीसिया देने लगते हैं तो हम पेशेंट से लगातार बात करते रहते हैं ताकि उसका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, उससे पेन कम फील हो। दोस्तों, अगर हमें लगता है कि पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम है तो हम जब भी पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांटेशन के समय एनेस्थीसिया देने लगते हैं तो हम उसको आईवी पेन किलर्स भी ऑन फ्लो चला के रखते हैं ताकि उसे पेन का जो है वो कम से कम महसूस हो। तो ये सारी चीज़ें हम पेन कम करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसीजर में करते हैं। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक टोटली पेनलेस प्रोसीजर नहीं है, बट जो भी करंटली अवेलेबल डिवाइसेज और जो भी करंटली अवेलेबल मेडिकेशन हमें है उसके अंदर जो भी इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन में पेन होता है वो टोटली एक्सेप्टेबल है या ऑलमोस्ट ना के बराबर पेन है। पेशेंट इसे ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं और आराम से इस प्रोसीजर को करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं और इस बात से वरीड हैं कि आपको बहुत पेन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इस प्रोसीजर को कंफर्टेबली करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में पेन किस तरह का रहता है और उस पेन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उस पर जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। और आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम उनका आंसर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।